मुंह से निकले शब्द। एक किसान ने अपने पड़ोसी की निंदा की। अपनी गलती का एहसास होने पर वह पादरी के पास क्षमा मांगने गया। पादरी ने उसको कहा कि वह पंखों से भरा एक थैला शहर के बीचों बीच बिखेर दे। किसान ने वही किया। फिर पादरी ने कहा कि जाओ और अब सभी पंख थैले में भर कर लाओ। किसान ने ऐसा करने की बहुत कोशिश की, मगर सारे पंख हवा में इधर उधर उड़ गए थे। वह जब खाली थैला लेकर लौटा तो पादरी ने कहा कि यही बात हमारे जीवन पर लागू होती है। तुमने बात को बड़ी आसानी से कह दी, लेकिन उसे वापस नहीं ले सकते। इसलिए शब्दों के चुनाव ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए।